वेलकम टू माई चैनल फॉर फरहाज लाइफ आप देख रहे हैं मेरा ये न्यू लुक जो कि मैंने एस एफ आर का ये वाला एस एफ आर आई शाडो पैलेट यूज करके क्रिएट करा है आप भी इस लुक को देखिए और क्रिएट कीजिए और अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इट मीन्स अलॉट टू मी आई विल ट्राई एंड अपलोड एज मैनी वीडियोज एज पॉसिबल ऑन डेली बेसिस सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग खुद so आइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने आइस ली और अपने फेस पे अच्छे से रब कर ली थी क्योंकि गर्मियों के टाइम पे अगर आप आइस फेस पे रब करते हैं मेकअप से पहले तो ये आपको बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करता है साथ ही में उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का प्राइमर लिया और इसको अपने हैंड से पूरे फेस पे आ, अच्छे से लगा लिया ताकि जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सब बंद हो जाएं और एक अच्छा था प्लेन बेस मिल जाए फाउंडेशन लगाने के लिए उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटर मेकअप बेस लिया था मेरा शेड है गोल्डन पिंक ये लेकर भी मैंने अपने फेस पर लगा लिया अगर आप कोई मेकअप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप इस बेस को भी खाली लगा के बाहर जाते हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन शीन उसके बाद मैंने यहाँ पर मे बिल अपनी का फाउंडेशन लिया मेरा शेड है वन ट्वेंटी एट उसको मैंने ब्रश से लेके पहले अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया था उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा लेके फिर आइस वाले वाटर में ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से डैप मतलब डुबो के और अच्छे से स्क्वीज कर लिया और उसके बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को इससे स्प्रेड कर लिया लगा लिया आप देख सकते हैं अपने साथ साथ नेक पे भी फाउंडेशन लगा लिया कीजिए गाइस वरना नेक और फेस कभी कभी बहुत अलग लगता है उसके बाद मैंने यहाँ पे ओलिविया का मेकअप स्टिक लिया इसमें मेरा शेड है जीरो फाइव टच ग्लो उसको मैंने अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अंडर आइज पे अपर आइज़ पे सब जगह पर लगा के उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया है Guys, आप जितना अच्छा अपना आ, बेस और अपना फाउंडेशन अपना कंसीलर ब्लेंड करेंगे आपकी आईज उतनी ही ब्राइटन अप लगेंगी ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है अफोर्डेबल कैटेगरी में इससे आप पूरा फेस मेकअप भी कर सकते हैं नॉट जस्ट कंसीलिंग तो उसको अच्छे से आप अच्छे से कंसील कर लीजिए उसके बाद मैंने ऐसी लोकल मार्केट से ये ब्राउन शेड की आईब्रो पेंसिल ली थी इससे मैं अपने आईब्रोज़ को फ़िल कर लूँगी सबसे पहले पूरे आईब्रोज़ को फ़िल करके और जो आपका फ्रंट पार्ट होता है सबसे लास्ट में उसको फ़िल किया कीजिए और हल्के हल्के स्ट्रोक से अपनी आईब्रोज़ को मैंने फिल कर लिया यहाँ पर थोड़ी सी आईब्रो पेंसिल मेरी हल्की सी ऊपर लग गई थी तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको क्लीन कर लिया था गाइस यहाँ पे एक मैंने फ्लैट शेडर ब्रश लिया है और उसके बाद मैंने कंसीलर लेके उस फ्लैट शेडर ब्रश से अपनी जो आईब्रोज थी उसको शार्प दिखाने के लिए अंडरलाइन किया अच्छे से और जो कंसीलर था उसको अब मैंने अपनी आईलिड्स पे भी लगा लिया सेम मैंने अपनी लेफ़्ट आई राइट आई दोनों पे करा है ताकि जो भी मैं आई शाडोज लगाऊँ उससे मेरी आईज को बहुत अच्छा डायमेंशन मिले बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड हो पाए फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपना जो भी कंसीलर मैंने लगाया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है इन शेड नंबर वन और उससे अपना मेकअप बेस सेट कर रही हूँ और एक राउंड ब्रश ले मैंने यहाँ पर अपना आ, आई पे भी जो मैंने कंसीलर लगाया था अपर आई लोअर आई अंडर आइस को मैं सेट कर ले रही हूँ अच्छे से लेट्स पे भी अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा लीजिए ताकि आपका जो भी आप आई शैडो लगाएँ वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए और आपका फेस भी अच्छे से आ, सेट लगे और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे फ़र्क मिनी नेचर आई शेडो पैलेट लिया है गाइस ये बहुत अच्छा पैलेट है ये तीन कलर्स में आता है फिलहाल मेरे पास ब्लू वेरिएंट है और इसमें से मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसमें से ये लाइट ब्लू कलर लेके कर अपनी क्रीस लाइन पे लगाना शुरू करा इनवर्ड आउटवर्ड मोशन में गाइस दोनों आइस पर आपको ऐसे ही लगाना है इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड और ताकि जो भी आपका कलर है वो बहुत अच्छे से आपकी क्रीस लाइन पर सेट हो जाए और थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ही लगाइएगा सो दैट आपका जो कलर है जो भी डिज़ायर्ड कलर आप चाहते हैं वो ना बहुत ज़्यादा लगे ना बहुत कम हो धीरे धीरे करके बिल्डअप हो जाए जैसा भी आप चाहते हैं अगर आपको और ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप और एक दफ़ा और दो दफ़ा और ले लीजिए और लेके उसको फिर लगाइए फिर मैंने यहाँ पे ये डार्कर शेड लेके सेम ब्रश में आउटर वी पे लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे मैं चाहती थी लाइट ब्लू डार्क ब्लू का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन दू मैं तो यहाँ पे मैंने ये लाइट ब्लू शेड लेके वी शेप बनाते हुए अपने आउटर वी पे डिपॉज़िट करना शुरू कर दिया सेम गाइस यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा कलर लेके लगाइएगा और उसको बिल्डअप कीजिएगा ताकि बहुत एक्सेसिव कलर ना लग जाए क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव लग जाता है तो फिर उसको करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेम मैंने यहाँ पे एक बार ये और लेके अच्छे से बिल्डअप कर लिया है यहाँ पे आउटर वी पे आप देख सकते हैं आउटर व्यू पे अच्छे से बिल्डअप कलर करने के बाद मैंने एक आ, क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे मैंने अपने दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दिया है और फिर यहाँ पे सेम पैलेट में से मैंने एक न्योन ग्रीन सा गोल्डनिश सा कलर था ये ये लेके एक फ्लैट शेडर ब्रश पे अपनी आईलिट्स पे डैप टैप करके लगाना शुरू कर दिया सेम सिमिलर मैं दूसरी वाली आइज पे भी लगा रही थी ब्रश से इस तरीके के जो शिमरी कलर्स होते हैं गए ये बहुत अच्छे से लग तो जाते हैं मगर जितना अच्छा आपके फिंगर से ये कलर्स लगते हैं उतने अच्छे ये ब्रश से भी नहीं लग पाते हैं सो so, इफ़ यू डोंट माइंड पिकिंग द कलर व्योर फिंगर्स तो आप आराम से फिंगर से इसको लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बाद में कर रहा था फिंगर के ऊपर लेके तो देखिए और ज़्यादा कलर यहाँ पे पिगमेंटेड शो कर रहा है फिर मैंने सेम वो क्लीन ब्रश ले और पूरी अपनी आईज़ पे जो कलर्स थे उनको आपस में ब्लेंड कर दिया ताकि कोई भी हार्श लाइन या अलग से कलर लगा हुआ ना लगे फिर तो मैं यहाँ पर एंग आई बे का ब्लू लाइनर ले रही हूँ ये ग्रीन कलर में भी आता है ब्लू में भी आता है ब्लैक में भी आता है गाइस इसका ग्रीन कलर भी बहुत खूबसूरत है फिलहाल मैंने ये ब्लू कलर का शेड लिया है और इससे मैं यहाँ पे आ, एक स्मॉल सा विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ आई मीन विंग आई लाइनर बहुत ज़्यादा थिक नहीं लाइट सा विंग आई लाइनर ड्रा कर रही हूँ जस्ट आइज़ को एक अच्छा सा शेप देने के लिए लुक देने के लिए एंड गाइस uh, मैं यहाँ पे कोई भी फॉलसीज़ यूज़ नहीं करूँगी इस शेड में के तो मैं यहाँ पे खाली मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मस्कारा को से गोल गोल करके आप अपने मस्कारा uh, को अच्छे से लगाइए अपने आइज़ पे समाइम लोगों को uh, आई लैश लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सो इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई आई लैश इवन विदाउट दैट योर आई मेकअप जो भी है आपका इट कैन लुक वेरी ब्यूटिफुल सो आप खाली um, अच्छे से अच्छा मुस्कहरा लीजिए जैसे भी आपको पसंद है मुस्कान देख के आप उसको अच्छे से लगा लीजिए फिर मैंने सेम पैलेट में से लाइट ब्लू शेड लिया है उसको फिलोर फ्लोर लैश लाइन के नीचे लगा रही हूँ मैं एक स्मॉल ब्रश लीजिएगा इसके लिए आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ये एन बाई बे का वाइट काजल पेंसिल लिया है आपकी आइस को बहुत अच्छा ओपन अप दिखाता है वाइट दिखाता है तो अगर किसी की आइस छोटी हैं तो आप अगर आपके आई लुक के साथ मैच कर रहा है एक वाइट काजल पेंसिल या फिर न्यूट काजल पेंसिल आप लीजिए आपकी आइस को काफ़ी अच्छा बड़ा दिखाता है ब्राइटन अप दिखाता है उसके बाद मैंने सेम मस्कारा लेके कर अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया है फिर यहाँ पे मेरे पास है ये स्टेक वर्क की कॉन्ट्रोल स्टेक इससे मैं हल्की हल्की कॉन्ट्रोलिंग कर लूँगी मैं अपने माथे की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोलिंग नहीं करती हूँ गाइस बिकॉज आई फील इट डजन नीड मच कॉन्ट्रोलिंग सो मैं हल्की हल्की कॉन्ट्रोलिंग उससे कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं डैपिंग डैपिंग मोशन में उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नो को आप चाहें तो फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ये जो आपके चीक्स पे कॉन्ट्रॉर आप करते हैं इसको अपवर्ड मोशन में हमेशा आप डैब डैप करके कॉन्ट्र को ब्लेंड कीजिएगा बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है आपकी जॉ लाइन के नीचे भी आप कॉन्ट्रॉल किया कीजिए इससे आपका जो फेस है उसको काफ़ी अच्छा शेप और स्ट्रक्चर मिलता है अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास का कांटोर पैलेट इसमें चार शेड्स हैं एक हाइलाइटर है दो आ, ब्लश है एक कॉन्ट्र शेड है इससे मैं अपने फेस पे ब्लश लगा रही हूँ दोनों शेड्स दोनों ब्लश शेड्स को मिक्स करके एक फ्लफी ब्रश से मैं अपने दूसरे चीक्स पे भी लगा लूँगी थोड़ा सा मैं अपनी नोज़ के ऊपर भी लगा लूँगी क्योंकि मुझे अपनी नोज़ पे हल्का सा ब्रश लगाना बहुत अच्छा लगता है फिर मेरे पास है यहाँ पे लैकमे की नाइन टू फाइव लिपस्टिक इसमें मेरा शेड है मूव मैटर और ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट सा पिंकि शेड है जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है फिर सेम पैलेट में से मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है और एक ब्रश थे मैं हाइलाइटर अपने आ, चीक्स पे अपनी नोज़ पे क्यूपिड बोर्ड सब जगह पे जो भी मेरे हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं पॉइंट्स हैं है, फोर हेड पे अप्लाई कर लूँगी अपनी ब्रा बोन के नीचे